नमस्कार, इस हफ्ते की खबरों का तुम जरा ज्ञान लो और नेताओं के किसे भी तुम जरा जान लो। Yeah, चुनावी रैपर। Yeah, मुलायम सिंह यादव ने किया नॉमिनेशन, कहा देश में सरकार का होगा गठबंधन। मायावती के पीएम बनने पर सवाल तो चुप हो गए मुलायम एकदम। योगी ने देश की सेना को मोदी सेना कहकर कर रहे थे सम्मान। विपक्ष ने कहा दरअसल ये तो इंडियन आर्मी का है अपमान। है अपमान। Yeah, next news, next news। भोपाल में बीजेपी नरेंद्र सिंह तोमर देंगे दिग्विजय को टक्कर। हर कोई यहाँ सीट ले जाता, देश की जनता के पीछे लग लग कर। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम किया फिर फाइनल। सिरसा से अशोक तनवर, रोहतक से दीपेंद्र हुए फिर फाइनल। पीएम मोदी ने कहा देश के हिंदुओं पर आतंकवाद का दाग लगाने वाली कांग्रेस है। फेसबुक ने की कार्रवाई, 687 पेजेस डिलीट किए कांग्रेस के। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब, भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो मेरी क्यों नहीं। अरे क्योंकि मैडम अभी तक आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं। पार्टी तो छोड़ो, यहाँ आपस में घमासान है। लालू ना सुन रहे अपने बड़े बेटे की बात है। गुस्से में तेज प्रताप ने छोटे भाई के खिलाफ निकाला फिर मोर्चा। लालू भड़के इस बात से बोले, तुझे इसके अलावा कुछ और ना मिला। नेक्स्ट न्यूज। कांग्रेस ने किया मैनिफेस्टो में बदलाव, गरीबों को 1000 और नौकरी का ऐलान। किसानों का बनाया हुआ अलग से बजट, कई सारे वादे किए और देंगे वो दान। आजमगढ़ में निरहुआ लड़ेंगे चुनाव अखिलेश के खिलाफ। टिकट दिया गया निरहुआ को जो लड़ेंगे कांग्रेस के भी खिलाफ। नेक्स्ट न्यूज। सीएम कमलनाथ के मंत्री दे रहे हैं लालच कुछ इस तरह, बूथ जिताओ और जॉब ले जाओ, घर जाकर फिर आराम से खाओ। पंजाब में 6 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को मिला नई टिकट अभी फिलहाल। कोलकाता में ममता बनर्जी और कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी, कहा सेना के मनी बल तोड़ने वालों को वोट देंगे तो भूल होगी। समाप्त हुए आज के समाचार, अगली बार मैं फिर आऊंगा यार। Yeah, चुनावी रैपर। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। धन्यवाद।